नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी दबदबा रखने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ जाकर उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी पहुंचे, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, केंद्र में इस वक्त नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे भी पढ़ते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पूरे भारत वर्ष के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के लिए 500 वर्ष का इंतजार, भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या में स्थापित करने का कार्य, मां भारती के योग्य पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संभव हो पाया है। कल के कार्यक्रम के साथ देश के 140 करोड़ जनता की आस्था केवल नहीं लेकिन पूरे विश्व के भगवान राम के अनुयायियों और श्रद्धालुओं के साथ ये आस्था जुड़ी हुई है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, शिलान्यास 2019 में हुआ, लोकार्पण कल हुआ, लेकिन हमारा कार्य कल से शुरू होता है। राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है और हर नागरिक को मेहनत और अपने मशक्कत के आधार पर अपना योगदान देना है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए। कल रामलला दोबारा विराजे हैं 500 वर्ष के इंतजार के बाद। कई पीढ़ियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम के लिए, अपना योगदान दिया है, और स्वयं मेरी आजियम्मा पूर्व राजमाता साहब ने भी जिंदगी भर इस कार्यक्रम के लिए अपनी आवाज उठाई थी, अपना योगदान दिया था। आज उन सभी महानुभवों को भी हम याद करते हैं और इस अलौकिक और महत्वपूर्ण देश के इतिहास के घटनाक्रम पे पूर्ण रूप से भगवान राम के चरणों में, श्री चरणों में नमन करते हुए उनके आशीर्वाद ग्रहण करके राज्य और राष्ट्र के विकास और प्रगति में अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं। राहुल, तो आपने सुना जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते नजर आ रहे हैं कि यदि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर काबिज ना हो पाते तो शायद ये काम मुमकिन नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री का साफ विजन था कि किसी भी तरीके से इस काम का होना लाजमी है और राम मंदिर का निर्माण हमें अपने कार्यकाल में ही करवाना है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रतिबद्ध थे, पिछले 500 सालों से इसकी मांग जो है हिंदू धर्म के लोग लगातार करते नजर आ रहे थे, लेकिन काम ना होने की वजह से यहां पर तमाम कानूनी अड़चने लगाई जा रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।